जी इंदर में फल्ला द मोस्ट बेनिफिशियल द मोस्ट मर्सीफुल डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बड़ी ही ज़बरदस्त चल रही होगी। बच्चों आज हम लेक्चर नंबर 13 पाकिस्तान अफेयर की सीरीज़ जो हम आज उसका 13वां लेक्चर हम लेके आए हैं आपके लिए। और इससे पहले मैंने आप लोगों को तकरीबन पाकिस्तान की जो प्री पार्टीशन की जो बहुत सी मोस्ट चीज़ें थी वो कवर करने की कोशिश की। इसके बाद जितने भी पार्ट आ रहे हैं सारा ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ मूवमेंट आज मैं आपको कराऊंगा। अलीगढ़ मूवमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये मूवमेंट है और इसके ऊपर फुल फ्लेज सवाल कई सालों से आ रहा है, कई दफ़ा आ रहा है। PMS में तो मोस्ट फेवरेट सवाल है एग्जामिनर का। सेम गोज़ फॉर CSS। और वो पूछते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान की पॉलिटिकल सोशल एजुकेशनल सारी आप लोगों को बताएं कि उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ थी और उन्होंने कैसे इस्लाम को और मुसलमानों को जो है मुसलमानों की रीन को जो है सब कॉन्टिनेंट में फैलाया पलूया। अच्छा जी थोड़ा सा बहुत मैं आप लोगों को आफ्टर मैथ ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बता दूं। इसमें ये था कि मतलब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, वो जो थी उसका फाइनल टाइम था इंडिया का और ब्रिटिश जो है सब कॉन्टिनेंट में आ चुके हैं, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट जो है ये, अच्छा इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं बताऊँ तो सर सैयद अहमद ख़ान और उसके कोलीग ने स्टार्ट किया था MAOA कॉलेज से। आगे मैं आप लोगों को डिटेल में सारा चीज़ें बताऊँगा क्या MAOA कॉलेज क्या है कैसे है। अच्छा आफ्टर में था मतलब अब ये है कि ब्रिटिश लोग जो है यहाँ पे आ चुके हैं, ब्रिटिश तजारत के सिलसिले में आते हैं 1757 के करीब और एक साल इन्होंने मतलब आए थे तजारत के साथ उसके तरह, लेकिन अब इन्होंने कब्जा कर लिया सब कॉन्टिनेंट में। तो अब ये था कि जी जस्ट बे विद मी। ओके बच्चों सॉरी। अच्छा तो अब ये है कि जी सर सैयद अहमद ख़ान साहब जो हैं अब इनका एक वो स्टार्ट होता है। अब इन्होंने देखते हैं इन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं। बच्चों आप लोगों ने बड़ा गौर से लेक्चर लेना है क्योंकि आज ये 13वां लेक्चर जो अलीगढ़ का ये हर साल पेपर में आ रहा है, तो आप लोगों ने बड़े गौर से चीज़ें देखनी है। ओहो जस्ट बे विद मी। ओके इनकी सर सैयद अहमद ख़ान की अर्ली लाइफ मैं आप लोगों को बता दूं। MCQs के लिए अब आप लोगों ने चीज़ें नोट करना स्टार्ट करना है। सर सैयद अहमद ख़ान 1817 में। ओके इनकी अर्ली लाइफ, ओके सर सैयद अहमद ख़ान की अर्ली लाइफ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैसियत का हामिल है MCQs के लिहाज से, वो ये है कि 1817 1817 से इनकी लाइफ स्टार्ट होती है और 1898 तक इनकी इंतकाल होता है। 1898 में इनके वालिद साहब का नाम, ये आप लोग चीज़ें नोट करते रहें, कहाँ पे पैदा हुए थे जी, दिल्ली में पैदा हुए थे, ठीक है, और दिल्ली में पैदा हुए और ये एक बड़े हाई नोबेलिटी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। इनका वालिद साहब का नाम मोहम्मद मुत्तकी था, बाद में आगे जाके उनकी चीज़ें बताएंगे। और बस इनको सर का 1889 में इनको सर का खिताब मिला 10 साल पहले मरने से। अच्छा जी सर सैयद अहमद ख़ान की अब हम अच्छा हाँ मैंने आप लोगों को तीन चीज़ें इसमें बड़ी बतानी है, तीन चीज़ें आप लोगों ने बड़े गौर से देख सुननी है, तीन चीज़ें अपने नोटबुक पे मेंशन ज़रूर करें। पहली चीज़ें इनकी पूरी मैं आप लोगों को ना चीज़ें सिर्फ तीन वर्ड्स में बता रहा हूँ, लॉयलिटी टू ब्रिटिश, एक ये नोट करें बड़ा बड़ा अपने पेज पे लिखें। दूसरा लिखें डिवोशन टू एजुकेशन, ठीक है, और तीसरा अपने पेज पे बड़ा बड़ा लिख लें एलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये जी इनकी तीन सर्विस का मेन अगर मैं आप लोगों को कंक्लूजन बताऊं तो ये है। एक किताब है के अजीज़ की मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, उसमें उन्होंने ये तीनों चीज़ें मेंशन की और उन्होंने कहा कि सर सैयद अहमद ख़ान की पूरी ज़िंदगी इन तीन चीज़ों के ऊपर हुई है। किताब का रेफरेंस मैंने आपको बता दिया, दी मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बाय के अजीज़। अच्छा जी ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने मेंशन कर लेनी। अच्छा जी अभी हम स्टार्ट लेते हैं, फिर सर्विसेज मैंने आपको बता दी हैं थोड़ी बहुत, अब हम स्टार्ट लेते हैं प्रॉपर एजुकेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ अलीगढ़ से, ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान ने जी मुसलमानों के लिए बड़ी मुसलमानों की पढ़ाई के लिए बड़ा काम किया, उन्होंने डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस बनाए और इनके स्लोगन था, स्लोगन आप लिख लें, डिवोट योर सेल्फ टू एजुकेशन एंड दिस इज यू, ये आप लोग लिख लें, एंड कॉमा एंड दिस इज यू सेल्वेशन। और सर सैयद अहमद खान बिलीव करते हैं कि जी जो जो भी नेशंस हैं वो हमेशा साइंस को जो है वो उससे लड़ सीखें
और अपना मतलब है कि चीज़ें वगैरह देखें। अच्छा, मैं आप लोगों को एमसीक्यूज के लिहाज से भी और सब्जेक्टिव के लिहाज से भी चीज़ें बता रहा हूँ। 1859 में सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने मुरादाबाद स्कूल बनाया, ठीक है। 1863 में गाजीपुर स्कूल बनाया, ठीक है। 1864 में सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। 1875 में, ये डेट्स आप लोगों ने ऐसे ही याद हो जाएंगे, आप लोग तो तीन दफ़ा लेक्चर सुनेंगे, अपने नोट्स देखेंगे। MOA कॉलेज बनाया, जो कि 1920 में एक यूनिवर्सिटी बन गई जिसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कहते हैं। और 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको तरीके से पढ़ना स्टार्ट करें। अब हम एक एक चीज़ नीचे जाके चलते हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे चीज़ें होंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आए हो आप लोगों ने, अब हम आगे चलते हैं। मुरादाबाद स्कूल जी, आई टोल्ड यू 1859 में सर सैयद अहमद ख़ान ने बनाया। यहाँ पर सर सैयद अहमद ख़ान ने इस तरह किया कि पर्शियन लैंग्वेज और सिख और इंग्लिश लैंग्वेज बच्चों को सिखाना स्टार्ट की। उसके बाद जी बच्चों, साइंटिफिक सोसाइटी, मैंने आपको बताया कि 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी बनी। इसका मकसद यह था कि इंग्लिश को ट्रांसलेट किया जाए उर्दू और पर्शियन में, और उसमें एक गज़ट भी इन्होंने लॉन्च किया था, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट, जो कि 1866 में, ठीक है, 2 साल बाद इसके बनने के, 1866 में जो है उसमें उन्होंने बताया था कि बहुत इंग्लिश एंड उर्दू, इंग्लिश और उर्दू में पब्लिश किया था ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। MOA कॉलेज, आई टोल्ड यू अर्लियर, मोहम्मदन अलीगढ़ कॉलेज 1875 में बना, जो कि बाद में यूनिवर्सिटी बन गई थी अलीगढ़। 1875 में कॉलेज बना और इसका भी मकसद यही था, और इस ये कॉलेज जो था सर सैयद अहमद ख़ान ने लोगों से मनी कलेक्ट करके बनाया, स्पीचेस दे के बनाया। 1877 में ये कॉलेज को स्टेटस दे दिया गया, 2 साल बाद कॉलेज का MOA कॉलेज बन गया था। स्कूल था पहले ना, 1875 में स्कूल था ये, और फिर सॉरी 75 में स्कूल था और 77 में जो है कॉलेज बना था, ठीक है। और फिर जी इसमें जी अरबिक लैंग्वेज और पर्शियन और सब जो एक साथ पढ़ाई जाती थी, इसमें बताया जाता था कि जी इसमें थोड़ी सी, ये पहला था जिसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन भी दी गई थी एजुकेशन के साथ साथ, मतलब दीनी और दुनिया दोनों, दुनियावी दोनों पढ़ाई। और फिर इसको 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया गया था, ठीक है। उसके बाद बच्चों है ये लिखा हुआ है MEC, मतलब मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था, 1886 में बना था। ये इसलिए बनाया था ताकि मुसलमानों को ना कायद अजम सॉरी सर सैयद अहमद ख़ान अवेयरनेस दे सकें, और इसमें मतलब एक सोशल ऑर्गन था, ये एजुकेशनल मूवमेंट था, पॉलिटिकल ग्रुप था, ये सारी इन्होंने एक मतलब एक गढ़ बनाया था जिसमें सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसमें लोग आते थे अपने मसले डिस्कस करते थे एजुकेशन के लिहाज से, और टेक्निक्स डिस्कस करते थे ताकि हम कैसे एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकें, और इसका मकसद भी यही था कि हम लोग एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकें। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो भी बन जाती है 1906 में, ठीक है, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनती है, और वो भी उसका भी 1906 में उसका एनुअल जो था वो भी मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में ही हुआ था। उसके बाद बच्चों एजुकेशनल सर्विस जो थी वो टाइम्स ऑफ इंडिया, सॉरी द टाइम्स ऑफ लंदन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टाइम्स ऑफ लंदन में, टाइम्स ऑफ लंदन में आपका लिखा गया था द प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। तो ये थे सर सैयद अहमद ख़ान की कुछ, और हाँ हिंदू उर्दू तनाज़ा ये भी आप एजुकेशन में बेशक ना लिखे, अलग से भी लिख लें, 1867 में हिंदू हिंदू उर्दू तनाज़ा हुआ, और उसमें फिर सर सैयद अहमद ख़ान, ओए सॉरी, तो उसमें सर सैयद अहमद ख़ान थॉट फर्स्ट टाइम कि अब जो है मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते, तो उसमें जी ये पहला था, ठीक है। ओके बच्चों, इसके बाद लिटरेसी वर्क है, थोड़ा सा इसमें इतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। लिटरेसी वर्क में तीन नाम मैंने आप लोगों के सामने लिखे, खुतबात अहमदिया, अखलाक और रिसाला अहमल। खुतबात अहमदिया में ये था कि ये स्टार्ट हुआ था 18 खुतबात अखलाक जो है नंबर सेकंड वाला स्टार्ट हुआ था 1870 में, ओहो जस्ट बेयर विद मी, ओके 1870 में स्टार्ट होता है, और इसका मकसद यही था कि मुसलमानों को जो है मुसलमानों के अंदर जो डाउट्स हैं, जो उनके मोरल रिफाइनमेंट की जाए, और उनके अंदर जो डाउट्स हैं अबाउट वेस्टर्न एजुकेशन उसको ख़त्म किया जाए। इस बात खुतबात अहमदिया, और खुतबात अहमदिया एक बड़ा इम्पोर्टेंट था, ये
विलियम मुनीर ने किताब लिखी थी द लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें उन्होंने नाउज़ बिल्लाह बड़ी अजीब बातें की थी। तो उसमें फिर सर सैयद अहमद खान ने खुद बातें अहमदिया लिख के ये बताया था कि हमारे ओली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितनी मिसकनसेप्शन उनके बारे में उन्होंने लिखी थी, तो उसको जो है काउंटर करने के लिए खुद बातें अहमदिया लिखा गया। और उसके बाद रिसाला अहमे तमाम, ये इसमें अहमे में इस तरह था कि सर सैयद अहमद खान जो थे डिफेंड किया था सोशल इंटरकोर्स विद क्रिश्चियंस, और इसमें मुसलमान और क्रिश्चन मतलब जो प्रूव किया गया था कि ये अपना शेयर मील कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वन पॉलिटिकल फिलॉसफी है। पॉलिटिकल फिलॉसफी में इनकी तीन चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को ऊपर बता दी हैं स्टार्ट में। डिटैचमेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स, जैसे अहमद खान ने सख्ती से मना किया था कि आप लोगों ने पॉलिटिक्स में नहीं जाना, एजुकेशन हासिल करो, एजुकेशन हासिल करोगे तो फ़ायदा होगा। बाकी ब्रिटिश के साथ लॉयल रहना है, अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, ठीक है, डिटैचमेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना। और इन्होंने सख्ती से मना किया था मुसलमान अलीगढ़ के बच्चों को कि आप लोगों ने नहीं करना। और रिकोलेशन रिकॉन्सिलेशन विद ब्रिटिश था, और टू नेशन थेरी में तो मैंने आपको बता दिया कि उर्दू इंतजा के बाद ऐसा लगा कि आप मुसलमान और इंडिया एक साथ नहीं रह सकते। फिर सैयद अहमद खान ने जब इंडिया की नेशनल कांग्रेस 1885 में बनती है, तो सैयद अहमद खान ने फिर यूज़ किया था एवरी मतलब पॉसिबल सोल्यूशन के मुसलमानों को अवेयर रख सके फ्रॉम पॉलिटिक्स, और कांग्रेस के जो क्लेम्स हैं उससे मुसलमानों को दूर रख सके। और फिर मोहम्मद जो डिफेंस एसोसिएशन जो थी 1893 में ये कॉन्फ्रेंस, उसमें मुसलमान सर सैयद अहमद खान ने फिर बना दी थी ताकि वो मुसलमानों को ये तीनों चीज़ें सिखा सके। और इसके बाद इम्पैक्ट, और हाँ उसके बाद टू नेशन थेरी, मैंने आपको बता दिया। टू नेशन थेरी मतलब यही है कि मुसलमान और हिंदू, उर्दू हिंदू तनाज़ा के बाद सर सैयद अहमद खान को 1867 में ऐसा लगा कि अब जो मुसलमान और हिंदू ये दो दो मुख्तलिफ नेशंस हैं और ये लोग एक साथ नहीं रह सकती। और इसीलिए सर सैयद अहमद खान ने एक बड़ी खूबसूरत शेक्सपियर ने शेक्सपियर से बात करते हुए सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि आई एम कन्विंस्ड डैट हिंदू एंड मुस्लिम्स कुड नेवर बिकम वन नेशन एज देयर, अब इसमें तीन चीज़ें, एज देयर रिलीजन, ठीक है, एक रिलीजन थी, एंड द वे ऑफ लाइफ, ठीक है, ये दो आपस में आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सो एट प्रेजेंट टाइम देर इज नो हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू कम्युनिटीज, बट इट विल इंक्रीज इमेंसली इन द फ्यूचर, ही हु लिव्स विल सी। तो ये थी सारी चीज़ें थी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मेरा मेरी कोशिश थी इसको दो पार्ट में करूँगा, लेकिन फिर मैंने कहा कि गो में करूँ। इम्पैक्ट्स ये थे कि जी एजुकेशनल इम्पैक्ट्स ये था कि एजुकेशनल इम्पैक्ट्स मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूँ। सिक्स इम्पैक्ट्स हैं, आप लोगों ने बड़े गौर से सुनी है। एक इम्पैक्ट एजुकेशन, मुसलमानों में एजुकेशन उजागर हुई थी, वो तीनों चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है, ठीक है, एजुकेशन लिखनी है, पोलिटिकल एफ्लुमेशन लिखनी है और ब्रिटिश के साथ, और फिर एजुकेशन के बारे में और पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में, कॉन्सिलेशन बिटवीन इंडिया एंड मुस्लिम्स और प्रमोशन ऑफ टू नेशन थ्योरी, मोरल रिफॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटीज़ और अलीगढ़ और पाकिस्तान मूवमेंट, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने छः के छः इंपैक्ट्स लिख लें, इसको अपनी वर्डिंग में लिख लें। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, बड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो होगी है, लेकिन ये है कि मुझे अच्छा लगे कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बच्चों का बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर इंशाल्लाह हमारा होगा लेक्चर नंबर 14, और वो हम लोग स्टार्ट करेंगे देवबंद से, नदवा से और बाकी चीज़ों से, ठीक है। लेक्चर नंबर 14 वुड बी ऑन देवबंद मूवमेंट से हम स्टार्ट लेंगे, देवबंद मूवमेंट जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी आफ्टर अलीगढ़ मूवमेंट, और वो फिर आप लोगों को 1867 में हुई थी, वो फिर 67 में नहीं बाद में थी, तो मैं आप लोगों को फिर साथ साथ बताऊँगा चीज़ें, ठीक है। ओके बच्चों, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा पाकिस्तान से ना।